हेलो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाजिर हो गए एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके। आज हम खेलने जा रहे हैं ट्रेन एंड रेल यार्ड सिमुलेटर। तो इस गेम प्ले में यहाँ पर फिलहाल जो रेल यार्ड है, यहाँ पर एक ट्रेन खड़ा है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें ड्राइव करके अगला स्टेशन तक ले जाना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक लोकोमोटिव हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जो बहुत ही शानदार है, ऑसम लग रहा है दिखने में। तो हमारा ट्रेन जहाँ पर खड़ा है, ये ट्रैक नंबर 1 है। तो ये जाके जुड़ जाएगा मेन ट्रैक से। तो फिलहाल यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जो 3 ट्रैक है हमें दिख रहा है सामने, और हमें जाना है फॉरवर्ड दिशा में। तो ये देखो फ्रेंड्स, दूर से जो व्यू आ रहा है कितना बढ़िया, और भी व्यू कैमरा एंगल से। और जो हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, ये कुछ देर में यहाँ से डिपार्चर करने लगेगा पूरा ट्रेन के साथ। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पर देख लेते हैं पूरा ट्रेन का एक बार व्यू, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैक चेंजर है उसको भी हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम लोकोमोटिव पे नहीं चढ़ेंगे, जो बाहर से जितना भी व्यू आएगा, नज़र आएगा, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे चलना होगा ट्रैक के ऊपर में से। तो अभी कोई फिलहाल यहाँ पर ट्रेन आने वाला नहीं है, तो एकदम निश्चिंत होकर हम ट्रैक के ऊपर से जा सकते हैं। और ये कोच है देखो फ्रेंड्स, कोच नंबर 1। तो भाई यहाँ पर जो कोच है, ये तो भाई इसका जो डोर है भाई, लग रहा है ऑटोमेटिक डोर है। ठीक है भाई, ये बढ़िया। और क्या एसी कोच है? हाँ भाई, शायद एसी कोच हो सकता है। यहाँ पर जो विंडो है, ये भाई ओपन नहीं है, यहाँ पर पूरा एकदम फिक्स्ड जो इसका ग्लास है। और यहाँ पर जो दो कोच के बीच में जाने का रास्ता भी है भाई, मतलब हम अंदर से जा सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स कोच नंबर 3 चला गया, और सामने अभी आ रहा है कोच नंबर 4। अच्छा भाई, और लास्ट में जो कोच हमें दिख रहा है, कोच नंबर 5, ये थोड़ा अलग है भाई। ये क्यों अलग है ये अभी नहीं मालूम। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, पर ये जो कोच है ये भी बढ़िया है देखने में। फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए, ये जो ट्रेन का कोच है ये आपको कैसा लगा। तो फिलहाल इसका भी डोर जो है ऑटोमेटिक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलो। और बैकवर्ड दिशा में और एक लोकोमोटिव हमें देखने को मिल रहा है, जो भाई बैकवर्ड दिशा में जाएगा, पर फिलहाल के लिए हम तो जाएंगे फॉरवर्ड में। जो रेल स्टेशन है वो फॉरवर्ड दिशा में है। और ये रहा इसका व्यू। और फ्रेंड्स चलो थोड़ा आगे जाते हैं, और आगे जाके देखेंगे हमारा ट्रैक कहाँ पर गया है, मतलब बैकवर्ड दिशा में जो ट्रैक है कितना दूर तक यहाँ पर है। तो भाई 4 ट्रैक्स हमें दिखने को मिल रहा है यहाँ पर फिलहाल। चलो चलो चलो, हम यहाँ पर कोच के अंदर भी जाएंगे, पर बाद में, पहले आज हम यहाँ पर जो ट्रेन है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो और देखेंगे क्या क्या यहाँ पर जो ऑप्शन है हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलो थोड़ा बैकवर्ड दिशा में जाते हैं। और ये रेल यार्ड जहाँ पर मौजूद है, ये प्लेस बहुत ही ऑसम है, ब्यूटीफुल है। एक्चुअली यहाँ पर पूरा ग्रीन नेचर हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, और सामने एक छोटा सा पहाड़ भी देखने को मिला, पर हम तो इस साइड में ही जाएंगे। तो फिलहाल चलो और थोड़ा आगे जाते हैं। और बैक साइड में कोई भी मतलब यहाँ पर ट्रेन नहीं दिख रहा है। आज लगता है शायद ये जो रेल यार्ड है, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन आज यहाँ पर शामिल है। तो ये ट्रेन को हमें भाई ले जाना होगा, और जो पैसेंजर है ना, वो भी इंतज़ार कर रहा है फ्रेंड्स। एक्चुअली यहाँ पर हम जितना लेट करेंगे, तो उतना जो यहाँ पर अराइवल टाइम होगा ना ट्रेन का, वो उतना डिले होगा वहाँ पर। तो हम जल्दी से यहाँ पर, ये देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ट्रेन जिस ट्रैक पे खड़ा है, ये ट्रैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मतलब ये बैकवर्ड दिशा में अगर आ भी जाए, तो भाई इतना दूरी आ सकता था। ठीक है, इस बीच यहाँ पर कोई ट्रैक चेंजर नहीं है। तो फिलहाल फ्रेंड्स चलो अब लौटते हैं ट्रेन की तरफ। और यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा, कि जब हम यहाँ पर कोई ट्रैक शिफ्ट करेंगे, मतलब ट्रेन को अगर कोई दूसरा ट्रैक में हमें यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, तो ये जो ट्रैक चेंजर है ना, इसको हमें चेंज कर देना होगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसे रहा कि जो ट्रैक चेंजर है वो एकदम सीधा, अगर हमें यहाँ पर डाइवर्ट होकर लेफ्ट साइड की तरफ जाना था, तो भाई ट्रेन सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो ट्रैक चेंजर है वो मैं आगे जाके यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कहाँ पर होगा वो, तो वो जो है ना उसको हमें चेंज करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर भाई जो और एक बार दिखता हो व्यू, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो, और यहाँ पर मतलब इतना रियलिस्टिक फीलिंग आ रहा है ना फ्रेंड्स, मतलब जब हम यहाँ पर ट्रैक को क्रॉस करेंगे ना, मतलब ऐसा मतलब पूरा फील आ रहा है भाई, मतलब ट्रैक के ऊपर से हम चल रहे हैं। ओ भाई, ये तो बहुत ही कमाल का। तो यहाँ पर लोकोमोटिव जो है हाजिर हो गया है सामने, और चलो फ्रेंड्स अब हम लोकोमोटिव पर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर लोकोमोटिव का जो फास्ट डोर है, इसके साइड में यहाँ पर आ चुके हैं हम लोकोमोटिव पे। तो लोकोमोटिव का जो साउंड है यहाँ पर तो
बहुत ही बढ़िया आ रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये जब ट्रेन चालू होगा तो भाई उस टाइम जो एक्शन होगा, मूविंग एक्शन, वो तो मतलब कैसे रहेगा फ्रेंड्स, वो एक्सपीरियंस बहुत ही कमल का होगा। और यहाँ पर एक लोकोमोटिव का विंडो हमें देखने को मिल रहा है, दो साइड में ही विंडो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो ये विंडो व्यू भी बहुत बढ़िया है, पर फिलहाल यहाँ पर मैं ऑर्बिट व्यू जो कैमरा एंगल है उसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई जो व्यू है पूरा देखने को हमें मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार लोकोमोटिव का हॉर्न को ब्लो करेंगे। वाओ, तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिख रहा है ऊपर में, तो ट्रेन को यहाँ पर हमें ड्राइव करना होगा, तो पहले हम जो ब्रेक है उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। ये लाल कलर का जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है ना राइट साइड की तरफ, ब्रेक इसको हम रिलीज़ कर दिए। और जो यहाँ पर फॉरवर्ड दिशा में हमें लेना होगा ट्रेन को, तो भाई यहाँ पर जो फॉरवर्ड ऑप्शन है उसको हमने सिलेक्ट कर दिया, और जो थ्रोटल है इसको अब हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो ट्रेन जो है यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो धीरे धीरे डिपार्चर करने लगा है, और उसके साथ ये लोकोमोटिव का साउंड कितना बढ़िया फ्रेंड्स। चलो और भी टू कैमरा एंगल में ये जो ट्रेन एक्शन है इसको हम देखते हैं। तो कैमरा ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पर जो कैमरा ऑप्शन है ना भाई, इसको हमें सिंपली यहाँ पर टैप करना होता है। और ये देखो फ्रेंड्स जो हमारा ट्रेन है रेल यार्ड से आगे बढ़ के अब रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रेन है ये ट्रैक को कैसे चेंज कर रहा है यहाँ पर। तो अभी जो स्पीड है इसको हम धीमा रखेंगे, जब ट्रेन यहाँ पर पूरा मेन ट्रैक पे आ जाएगा, मतलब बाकी जितना भी कोच है और पीछे का जो लोकोमोटिव है, तब उस जाके हम ट्रेन का जो स्पीड है इसको इंक्रीज कर देंगे। और उसके साथ यहाँ पर हम देखेंगे जो ट्रैक चेंजर का जो साइन बोर्ड है वो कहाँ पर है, ठीक है। और ये देखो फ्रेंड्स बैकवर्ड दिशा पे एक बार हम कैमरा एंगल को ले गए थे, तो यहाँ पर हम कैमरा एंगल को चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कोच वाइज हम देख सकते हैं, बैक साइड से जो लोकोमोटिव है उसको व्यू में हम देख सकते हैं ट्रेन को। तो फिलहाल ये देखो ट्रेन का बाकी जो कोच है ये अभी भी ट्रैक को चेंज कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रैक चेंजर है ये येलो कलर का जो बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना छोटा सा करके, ये देखिए राइट साइड की तरफ दिशा कर रहा है, तो ये है ट्रैक चेंजर। तो इसको हम चाहे तो मूव कर सकते हैं, ठीक है, स्विच कर सकते हैं, तो ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अपना यहाँ पर पावर दिखाते हुए ट्रेन को आगे ले जा रहा है फ्रेंड्स, और लोकोमोटिव का हॉर्न भी बहुत बढ़िया है। और अभी भी यहाँ पर चलो फ्रेंड्स जो कैमरा एंगल है इसको थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं अब, तो हमें यहाँ पर पता चलेगा जो पीछे के जितना भी कोच है या लोकोमोटिव है क्या वो ठीक तरह से जो ट्रैक है उसको चेंज कर लिया नहीं, और थोड़ा बाकी है। पीछे का जो लोकोमोटिव है ये अभी जस्ट मेन ट्रैक पर चला आया, तो अब हम क्या करेंगे ट्रेन का जो स्पीड है इसको इंक्रीज कर देंगे। चलो फ्रेंड्स और यहाँ पर ट्रेन का स्पीड इंक्रीज होने लगा है, और टोटल जो है भाई यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ पर सामने ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो येलो कलर का एक साइन बोर्ड है ना भाई, यही है ट्रैक चेंजर, ठीक है। तो सामने सच लगता है यहाँ पर कोई ट्रैक चेंजर है, तो भाई इसलिए ये जो साइन बोर्ड है ये मौजूद है। तो यहाँ पर एक ट्रैक जो है देखो लेफ्ट साइड की तरफ चला जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है। तो ये कार होके चला जा रहा है दूसरा साइड, और हमारा यहाँ पर जो ट्रैक अभी दिख रहा है एक ट्रैक, सिर्फ एक ट्रैक। और यहाँ पर ट्रेन का जो स्पीड है बहुत ही अच्छा हो चुका है ऑलरेडी, पर उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि सामने एक रेलवे स्टेशन है, तो भाई यहाँ पर हमें हॉल्ट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करके हमें जाना होगा। तो जो कैमरा एंगल है ये तो भाई ठीक ठाक है, ऑर्बिट व्यू कैमरा एंगल से एक मतलब यहाँ पर एडवांटेज है जो मतलब हर तरफ के हम यहाँ पर जो व्यू है ना देख सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रैक है देखो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड से फिर से यहाँ पर आ रहा है वापस। और इस गेम में जो भाई ग्राफिक्स है ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब एकदम जो डिटेल्ड है बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आज तो हम ट्रेन को ड्राइव कर रहे हैं, पर दूसरा जो गेम प्ले होगा इस गेम का तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एज ए पैसेंजर बन के हम ट्रेन पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और उस टाइम हम जो करेंगे यहाँ पर जो मतलब कोच का अंदर का जो व्यू है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे है सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर कितना सारा कंट्रोल हमें मिलता है जब हम ट्रेन को ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पर देखो ब्रेक का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी ब्रेक को अप्लाई किया हूँ क्योंकि सामने जो है स्टेशन आने वाला है फ्रेंड्स, और कुछ मीटर में ही जो स्टेशन है आ जाएगा। और पहाड़ भी दिख रहा है हमें सामने यहाँ पर, और बिल्डिंग्स भी है, और ग्रीन नेचर तो है ही। और यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब साइड में जो रोड है भाई उसमें गाड़ी जा रहा है भाई, मतलब ये बहुत ही औसम लग रहा है हम मुझे। तो यहाँ पर फिर से हम ब्रेक जो है अप्लाई कर दिए है, और स्टेशन आ चुका है फ्रेंड्स। कितना सारा यहाँ पर जो पैसेंजर है ये यहाँ पर वेट कर रहा है कब ट्रेन आएगा और हम ट्रेन पे बोर्ड करेंगे। तो इसके बाद हमारा ट्रेन का जो मतलब अगला स्टेशन होगा तो वो बहुत दूर में है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फिलहाल रेलवे यार्ड से हमारा जो जर्नी था ट्रेन जर्नी वो सिर्फ स्टेशन तक ही था, और इस बीच हम ट्रेन का जो हॉर्न है इसको भी एक बार ब्लो कर दिए थे। तो ट्रेन को एकदम सामने की तरफ ले जाना होगा, स्टेशन के एकदम फ्रंट साइड पे जाके हम ट्रेन को यहाँ पर हॉल्ट कर देंगे। ओ भाई थोड़ा साइड से चलो भाई, यहाँ पर ट्रेन आ चुका है, क्या कर रहे भाई। तो यहाँ पर अगर ट्रेन आपको हिट कर जाएगा ना तो भाई दिक्कत होगा। तो यहाँ पर ये देखो फ्रेंड्स, स्टेशन का जो नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, वाओ बढ़िया। और ट्रेन को जो है यहाँ पर थोड़ा और थोड़ा आगे ले जाना होगा, और ब्रेक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रेन यहाँ पर जस्ट लगभग टच करने वाला है फ्रंट साइड, और यहाँ पर ब्रेक को फिर से हम अप्लाई कर दिया, और एक बार यहाँ पर लगेगा। चलो चलो सामने चलो, और थोड़ा और जो कोच है इसको एकदम एडजस्ट करना होगा हमें स्टेशन की तरफ, और एक बार ब्रेक को हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए, और ट्रेन जो है यहाँ पर सक्सेसफुली रुक चुका है फ्रेंड्स। और उसके साथ जो पैसेंजर है ये अभी ट्रेन पे बोर्ड करेगा, तो इसके लिए हमें ट्रेन का कोच का जो डोर है उसको ओपन कर देना होगा। तो राइट साइड का जो डोर है चलिए इसको ओपन करते हैं पहले। तो यहाँ पर राइट देखिए ऑप्शन जो है इसको हमने प्रेस कर दिया, और यहाँ पर कोच का व्यू जो आ रहा है, देखो डोर यहाँ पर ओपन हो चुका है, और जो पैसेंजर है ये अभी बोर्ड करने लगेगा कुछ देर में। तो फ्रेंड्स आज का ये गेम प्ले वीडियो बस इतना ही, कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताइए आज के ये गेम प्ले वीडियो आपको कैसे लगे। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरा एक गेम प्ले वीडियो के साथ, थैंक यू।